भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सीआरपीसी के इस कॉम्पेरेटिव लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे सेक्शन 179 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो बेसिकली सीआरपीसी का सेक्शन 160 हुआ करता था, राइट। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 178 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में बात किया, राइट, जिसमें हमने बात किया पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। राइट, 177 ऑफ बीएनएसएस में हमने बात किया रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, वन सेवेंटी सिक्स में हमने बात किया प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट, 175 में हमने बात किया पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजिबल केसेस, 174 इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजिबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन देयर ऑफ, और 173 में हमने बात किया इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजिबल केसेस, राइट। सेक्शन 179 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि सीआरपीसी का सेक्शन 160 है, इसमें बेसिकली पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस के बारे में बात किया जाता है, राइट। यानी वो सभी पर्सन्स जो कि इस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से वाकिफ हैं, जिन्हें इस केस के बारे में कोई भी जानकारी है, तो किस तरह से उनके अटेंडेंस को, उनके उपस्थिति को बिफोर दी पुलिस ऑफिसर इंश्योर कराया जाए, ताकि वो पर्सन जिसे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का पावर मिला है, वो इन्वेस्टिगेशन को और भी स्मूथली कंडक्ट कर सके, और विटनेसेस का जो टेस्टिमनी है, जो गवाही है, वो रिकॉर्ड किया जा सके, ताकि इन्वेस्टिगेशन को एक पॉजिटिव वे मिल सके, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट रह सके, राइट। तो बेसिकली सेक्शन 179 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बात करता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। विटनेसेस मींस वो सभी पर्सन्स जो कि केसेस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से किसी भी तरह से रिलेटेड हैं, जिन्हें कोई भी जानकारी है किसी केस के बारे में, तो वो क्या है, विटनेस है। राइट, क्या कहता है, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ ऑफ एनी पर्सन। तो क्या कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है वो, या कोई भी पुलिस ऑफिसर
any police officer making an investigation. राइट तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये भी जाना कि हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्पेशल या अपने जनरल ऑर्डर से किसी सुपीरियर ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराने का जिम्मेदारी दे दे या खुद ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता। तो इसलिए यहां कहा गया है एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर यानी अंडर चैप्टर 13 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बाय ऑर्डर इन राइटिंग लिखित में आदेश कर सकता है टू एंश्योर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ उस विटनेस को या उन सभी विटनेसेस को लिखित में आदेश कर सकता है कि आपको जब जब पुलिस बुलाएगी आपको पुलिस स्टेशन आना होगा और गवाही दर्ज करानी होगी। Require the attendance before himself of any person being within the limits of his own. यानी हो सकता है कि जो witness है वो उस पुलिस स्टेशन के jurisdiction में ही आते हो या any adjoining station या वो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के jurisdiction में आता हो वो witness who From information given or otherwise, जिसका नाम as witness कैसे आया तो जो first informant है उसने सूचना दिया कि इस घटना को होते हुए इस फला व्यक्ति ने देखा है या पुलिस ऑफिसर ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसे पता चला कि हाँ ये भी वहां पर था तो उसका नाम कहीं से भी आ सकता है FIR में उसका नाम आ सकता है या पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही थी यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसका नाम आया हो सकता है कि वो विटनेस पुलिस के ज्यूरिसडिक्शन में रहता हो या किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में उसका रेजिडेंस हो तो उसे या उन सभी विटनेसेस को जो कि इस मामले के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से एक्वाइंटेड है रिलेटेड है जुड़ाव रखते हैं या उन्हें किसी प्रकार से कोई भी जानकारी है तो उन सभी विटनेसेस को पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है राइटिंग में ऑर्डर दे सकता है एंड सच पर्सन शाल अटेंड एज सो रिक्वायर्ड और उन सभी पर्सन्स को टाइम टू टाइम जब कभी भी पुलिस बुलाए तो पुलिस का सहयोग करना होगा प्रोवाइडेड दैट अब यहां पर एक प्रोविजन है No male person under the age of 15 years, यानी male person under age 15 years, ठीक No male person under age 15 years or above 60 years, right? यानी वो person जो कि 15 साल से कम है और वो मेल पर्सन है हो सकता है कि वो विटनेस हो उसने उस इंसिडेंट को होते हुए देखा हो या उस इंसिडेंट के बारे में उसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है जो विटनेस है वो अबव 60 इयर्स ऑफ एज है और अ वुमन हो सकता है कोई महिला हो एज अ विटनेस और मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हो सकता है जो कि विटनेस है लेकिन फिजिकली या मेंटली फिट नहीं है और अ पर्सन विथ एक्यूट इलनेस पर्सन विथ एक्यूट इलनेस यानी विटनेस कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसे कोई गंभीर बीमारी है तो यानी हम अगर इन सभी पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं यानी कोई ऐसा विटनेस जो कि मेल है लेकिन 15 साल से कम है कोई ऐसा विटनेस जो मेल है या फीमेल है लेकिन 60 इयर्स से अबव है कोई वुमेन या कोई विटनेस जो कि मेंटली और फिजिकली चैलेंज पर्सन है या कोई पर्सन जो कि विटनेस है लेकिन वो किसी गंभीर रोग से ग्रसित है
shall be required to attend at any place other than the place in which such person resides. तो पुलिस ऑफिसर उसे फोर्स नहीं कर सकता है कि आप इस पर्टिकुलर जगह पर आओ और अपना टेस्टिमनी दर्ज कराओ। यानी अगर विटनेस इन चार पांच कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता है तो पुलिस ऑफिसर जब भी उसे जहां भी बुलाएगी वहां उसे आना होगा और अपना बयान दर्ज कराना होगा, अपने अटेंडेंस को एंश्योर कराना होगा। लेकिन अगर विटनेस इन चार या पांच कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी या एक से ज्यादा कैटेगरी में बिलोंग करता है तो बेसिकली उसका जो टेस्टिमनी रिकॉर्ड किया जाएगा, पुलिस ऑफिसर बाउंड है कि वो उसके रेजिडेंस पर जाकर के उसके टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करे। उसे पुलिस ऑफिसर किसी जगह नहीं बुलाएगी अदर देन रेजिडेंस। Provided further that if such person is willing to attend the police station, such person may be permitted show to do. लेकिन अगर वो person खुद आना चाहता है पुलिस स्टेशन और अपनी गवाही दर्ज कराना चाहता है या कुछ कहना चाहता है तो फिर पुलिस उसे परमिशन दे देगी। Subsection 2 क्या कहता है? The state government may by rules made in this behalf provide for the payment by police officer of reasonable expenses of every person attending under subsection 1 at any place other than his residence. Yani apne residence ko chhod karke koi bhi person jo ki witness hai under subsection 1 of section 179 तो स्टेट गवर्नमेंट को रूल बनाना होगा और स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी कि पुलिस ऑफिसर क्या करे, आने जाने में उसका जो भी खर्चा हुआ, जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस उसके लगे, उसकी भरपाई की जाए। राइट, तो वही कह रहा है, प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय पुलिस ऑफिसर ऑफ रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एवरी पर्सन अटेंडिंग अंडर सबसेक्शन 1 एट एनी प्लेस अदर देन हिज रेजिडेंस। यानी कोई विटनेस, पहली बात तो अगर वो इन एक्सेप्शंस में आता है तो पुलिस ऑफिसर बाउंड है कि वो उसके रेजिडेंस पर जाकर के क्या करेगा, उसकी टेस्टिमनी दर्ज कराएगा। लेकिन अगर वो खुद आना चाहता है तो पुलिस ऑफिसर उसे परमिशन दे देगी। तो अपने रेजिडेंस से पुलिस स्टेशन पर आया तो भी एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, पुलिस स्टेशन के द्वारा किया जाएगा। और कोई भी विटनेस जो इन कैटेगरी में से फॉल करता है या नहीं भी फॉल करता है और वो पुलिस के बुलाने पर अपना अटेंडेंस एंश्योर कराता है तो रीजनेबल एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, पुलिस ऑफिसर बियर करेगा। ये था सेक्शन 179 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि सीआरपीसी का सेक्शन 160 हुआ करता था। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और दूसरों से अलग लगी होगी। अगर मेरे वीडियोस किसी भी मैनर में आपको हेल्प करते हैं, मेरे वीडियोस किसी भी मैनर में आपको दूसरों से अलग लगते हैं और आपको लगता है कि मैं सच में अपने पूरे एफर्ट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो प्लीज शो योर सपोर्ट, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।